हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश से GNM करना चाहते थे, इससे पहले आपको ये चीज़ पता होगी कि मेरिट बेस पर इंटर के 10th की मेरिट बेस पे आपका एडमिशन हो जाया करता था। लेकिन जो भी बच्चे 2024 से GNM करना चाहेंगे, उनको अब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिस एग्ज़ाम को ABBMU नाम की यूनिवर्सिटी कराने वाली है, जो कंडक्टिंग बॉडी होने वाली है, वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराने वाली है। आपके उस एग्ज़ाम का नाम उत्तर प्रदेश GNM एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। क्या? उत्तर प्रदेश UPZ नाम से इसको आप कर सकते हो, कह सकते हो। अब इस हम टोटल पूरे वीडियो में बात करने वाले, क्या नया सिलेबस रहने वाला है, फॉर्म की फ़ीस कितनी लगने वाली है, पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है, किस एग्ज़ाम पे डेट होगी, कब इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे, इस प्रकार की जितनी भी डिटेल हैं सारी हम बात करेंगे और आपको तैयारी भी कैसे करनी है फ्री में, उस चीज़ के भी बारे में हम ज़रूर बताएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से GNM करना चाहते हैं तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसमें बहुत सारे आपके जैसे GNM के स्टूडेंट्स हैं जो GNM के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें जुड़ जाएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, कोई भी उसका चार्ज नहीं है, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा का पूरा। तो चलिए हम इन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं, कब एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस होगा, इन सभी चीज़ों पर हम आखिर में ये भी बताने वाले हैं कि आप फ्री में तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। तो देखो, यहाँ पर ये ब्राउचर है ABBMU ने जो अभी कुछ दिन पहले 22 तारीख को रिलीज़ किया है, जिसमें ये बताते हैं। सबसे पहले देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में हम सारी जानकारियाँ देने वाले हैं जो एक नए स्टूडेंट को पता होना चाहिए GNM के बारे में। GNM 3 वर्ष का एक कोर्स होता है। क्या? 3 वर्ष का कोर्स होता है, यानी कि अगर आप GNM में एडमिशन लेते हैं तो आपको 3 साल पूरे के पूरे देने पड़ेंगे इसकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। वहीं पर अगर अब हम इसके डेट्स की बात करें, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें कि कब एग्ज़ाम होगा, कब इसका लास्ट डेट होगा, इन सभी चीज़ों की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है ऑनलाइन फिल किया जाएगा। क्या फिल किया जाएगा? ऑनलाइन फिल किया जाएगा। और कहाँ पर फिल किया जाएगा? ABBMU की ऑफिशियल साइट पर ही फिल किया जाएगा, जो 22 जून से शुरू हो चुका है। क्या? 22 जून यानी कि शनिवार से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। वहीं पर अगर हम अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि 12 जुलाई है, यानी कि 12 जुलाई तक आप अपने फॉर्म को फिल कर पाओगे। ध्यान रखना, शाम को 6 बजे शुक्रवार तक, ठीक है। और वहीं पर अभी तक ABBMU द्वारा कोई भी करेक्शन विंडो नहीं दी जाती थी BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम में भी, लेकिन इस साल से, इस बार से आपकी करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी, जो कि 6 जुलाई को ओपन की जाएगी। 6 जुलाई से 12 जुलाई तक ओपन रहेगी, समय 8 बजे तक रहेगा। वहीं पर अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपका 23 जुलाई को आएगा। कब आएगा? 23 जुलाई को आने वाला है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो 28 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। क्या? एंट्रेंस एग्ज़ाम 28 जुलाई को होने वाला है, और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन आपका एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होगा। और UP में कम से कम 8 से 10 सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर इसका सेंटर जाने वाला। और डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन ये बहुत ही जल्दी आपको हमारी ABBMU की वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले दी जाएगी। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से GNM करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में सभी अपडेट्स, सभी चीज़ों को हम यहाँ पर बहुत जल्दी, बहुत सटीक तरीके से कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे। यहाँ पर आप मेल देख सकते हैं, आयन पे उनका फ़ोन नंबर देख सकते हैं, और यहाँ पर सामान्य जानकारी में यही सब चीज़ें लिखी हैं कि आपका एटलीस्ट कितना परसेंटेज है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। अगर हम सेंटर की बात करें तो पूरे UP में 20 सेंटर होने वाले हैं। अगर जब फॉर्म फिल करोगे आप, तो आपको 20 सेंटर बनने का ऑप्शन मिलेगा। आगरा, बरेली, गोंडा, लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या, बांदा, झांसी, मिर्जापुर, वाराणसी, आज़मगढ़, गाज़ियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इतने शहरों में इस एग्ज़ाम का सेंटर रहने वाले हैं, ठीक है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और याद ध्यान रखें ऑनलाइन मोड में ही सिर्फ फॉर्म को फिल किया जाएगा। क्या? ऑनलाइन मोड में ही फिल किया जाएगा, ऑफलाइन मोड में नहीं किया जाएगा, ठीक है। पोस्ट द्वारा कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और उम्र आपकी 17 साल होनी चाहिए,
और बाकी सब यहाँ पे चीज़ें, और सबसे मेन चीज़ आपका फॉर्म का फ़ीस कितना लगने वाला। अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपका 3,000 रुपये लगने वाला, वहीं पर अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपका 2,000 रुपये लगने वाला एससी एसटी के लिए। किसके लिए? एससी एसटी, जो कि ये बहुत ज़्यादा फ़ीस है सिर्फ एसटी एससी वालों के लिए ही नहीं, जनरल वालों का भी आप देख सकते हैं। 3,000 रुपये एक स्टूडेंट के लिए आम बात नहीं होती है, और वहीं पर ना तो एससी एसटी के लिए भी 2,000 की आम बात होती है। किसी भी स्टूडेंट के लिए इतना पे करना एक अमाउंट होता है। ये चीज़ मैं मानूंगा कि यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फीस स्टूडेंट से ले रही है, जो कि नहीं लेनी चाहिए और ही कम फीस को रखना चाहिए। आगे हम देखेंगे, आगे चीज़ें देखेंगे। 12+2 आपका होना कंपलसरी है, और साथ ही साथ में अब हम देखेंगे कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। और ये थोड़ा सा और नहीं चाहेंगे, ये ब्राउज़र आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हो, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पर भी आपको ये ब्राउज़र हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे, जहाँ से आप सारी की सारी चीज़ें पढ़ पाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। अगर मैं सारी चीज़ें पढ़ करके आपको बताने लगे तो कहीं ना कहीं आपका भी समय बर्बाद जाएगा और हमारा भी। ठीक है, तो वीडियो हमारा तो नहीं जाएगा क्या, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप बोर होने लगोगे। अब देखो, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो है संडे को 28 जुलाई को होने वाला है, सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक, यानी कि आपका 120 मिनट का पेपर होने वाला है। अगर हम वेन्यू की बात करें कि एग्ज़ाम आपका कहाँ पर होगा, वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। और वहीं पर हम एग्जामिनेशन का जो पेपर होने वाला है उसका मीडियम की बात करें, पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा या दोनों में होगा, तो आपका जो पेपर है बायलिंगुअल है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। आपको OMR शीट मिलेगी, उसमें आप ब्लैक एंड वॉल पॉइंट, ब्लैक एंड ब्लू वॉल पॉइंट यूज़ कर पाएंगे, जो कि आपको सेंटर पर दी जाएगी। घर से लेकर के नहीं जानी है, क्या घर से लेकर नहीं जानी है। ठीक है, और वहीं पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो याद रखना 100 क्वेश्चन आते हैं। और ध्यान देना, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, क्या एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये चीज़ का भी वर्णन यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आने वाला है। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम का क्या सिलेबस रहने वाला है। देखो, आपका पेपर 3 सेक्शन में बटा होगा, क्या जो 100 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, 60 नंबर के क्वेश्चन आपका साइंस से आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, साइंस से आने वाला है, और 40 नंबर GK और इंग्लिश से आने वाला है। क्या आने वाला है? GK और इंग्लिश से आने वाला है। पहले सेक्शन में आपको साइंस देखने को मिलेगा, यानी कि 60 क्वेश्चन होंगे, जो कि क्लास 10th के लेवल के होंगे। ध्यान रखना, जो साइंस होगी क्लास 10th के लेवल की होगी, जिसमें से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी, ध्यान रखना। और वहीं पर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपकी क्लास 12th लेवल की पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन होंगे उसमें। और GK की बात करें क्लास 12th लेवल की पूछी जाएगी, जिसमें 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए होंगे। ठीक है, और आगे हम देखेंगे यहाँ पर और कुछ चीज़ें, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी जानकारी वाली नहीं है जो मुझे देनी चाहिए, मुझे लगता है। इनकेस अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रकार की समस्या, दुविधा रह जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। बाकी आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और इसी प्रकार की GNM से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको हमारे इसी चैनल पर, क्या इसी चैनल पर, GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी बिल्कुल फ्री में, अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक करा देते हो तो। क्या अगर इस वीडियो पे आप 100 लाइक कराते हो तो गारंटी है इस चैनल पे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो इस चैनल पर कराए जाएंगे, और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की पकड़ को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करा दिया जाएगा। तो फिर पढ़ाई करते रहें। All the very best. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.